राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली। रंगोली के अंतर्गत हम आपको जिस दुनिया में लेकर चल रहे हैं उस दुनिया का नाम है ज्ञान विज्ञान। आज सुनते हैं कार्यक्रम निर्जीव सजीव। एक था चूहा, उसका नाम था गिलगिल। अभी उसकी उम्र बहुत छोटी थी, कुछ दिन पहले ही उसका जन्म हुआ था। वो अभी बिल से बाहर ही नहीं निकला था। एक दिन जब गिलगिल चूहे की माँ बिल से बाहर निकलने लगी तो गिलगिल बोला, वो माँ, जब तुम चली जाती हो तो मैं कभी कभी बिल के बाहर झांक कर देखता हूँ। माँ, मैं भी बाहर जाऊंगा। देखो गिलगिल, बिल्ली मौसी ने कभी तुम्हें बिल के बाहर झांकते हुए देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। क्या मुश्किल हो जाएगी? अरे, वो तुम्हें खा जाएगी। क्या? बिल्ली खा जाएगी? ये बात सुनते ही गिलगिल चूहे की तो घिघी बन गई। फिर माँ उसे समझा बुझाकर बिल से बाहर चली गई। फिर कुछ देर बाद उसे बिल के बाहर से एक आवाज सुनाई दी। अरे, कोई अंदर है? कौन है भाई? मैं हूँ सिलसिल, सिलसिल चूहा। तुम कौन हो? मैं गिलगिल हूँ, गिलगिल चूहा। क्या काम है? मेरी माँ ने कहलवा भेजा है कि आज शाम को हमारे घर में मेरे जन्मदिन की खुशी में खाना खिलाया जाएगा। तुम लोग भी आना मेरे जन्मदिन में। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे जल्दी है, जरा बाजार भी जाना है। बाजार? बाजार क्या होता है? बाजार जहाँ तरह तरह का सामान बिकता है। वहाँ बिल्ली तो नहीं होती? बिल्ली बाजार में होती होगी, वैसे मैं बिल्ली से नहीं डरता। हाँ, क्यों? माँ कहती है कि बिल्ली हमें खा जाती है। हमें खा जाती है, ये ठीक है, मगर मुझे नहीं खा सकती वो। हुँ? क्योंकि मैं बहुत ही तेज दौड़ता हूँ, बिल्ली मुझे पकड़ ही नहीं सकती। अच्छा, अगर मैं भी तेज दौड़ूं तो बिल्ली मुझे भी नहीं पकड़ पाएगी? हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगी। तो तुम मुझे तेज दौड़ना सिखा दो। तुम बिल से बाहर तो आओ, सिखा दूंगा। अच्छा। इसके बाद गिलगिल चूहा बिल के बाहर निकला तो बाहर के शोर से बड़ा घबरा गया। यहाँ इतना शोर क्यों है? कुछ नहीं, बच्चे खेल रहे हैं। आओ, हम इसी तरफ से चलते हैं। हाँ, ये सामने क्या है? ये पेड़ है, पेड़ पर चिड़िया है। अरे, ये पेड़ इतना बड़ा होता है, इसे जमीन पर कितनी मुश्किल से खड़ा किया होगा। अरे गिलगिल, इसे किसी ने खड़ा नहीं किया है। पहले तो ये छोटा था, बहुत ही छोटा, फिर ये बड़ा हो गया। जैसे तुम अब छोटे हो, फिर मेरे जितने बड़े हो जाओगे। अरे, मैं तो जिंदा हूँ, मेरे अंदर तो जान है, इसलिए बड़ा हो जाऊंगा। हाँ हाँ, ये पेड़ भी जिंदा है। अच्छा, मगर इसके मुंह, आंखें, पैर तो दिखाई ही नहीं देते, और ये चल भी नहीं सकता, फिर जिंदा कैसे हो गया?
ये तो मुझे पता नहीं, पर माँ कहती है जो चीज बढ़ती है वो जिंदा चीज होती है। अच्छा, तुम्हारी माँ को तो बहुत कुछ पता है। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे दौड़ना कब सिखाओगे? हाँ हाँ, अभी सिखाता हूँ दौड़ना। देखो, पहले मैं दौड़ूंगा और फिर तुम मेरे पीछे दौड़ना। ठीक है। इसके बाद सिलसिल दौड़ा। उसके पीछे गिलगिल दौड़ा। तभी आ गई कहीं से बिल्ली। सिलसिल उसे देखकर 9 2 11 हो गया। मगर गिलगिल सावधान न था, इसलिए वो भाग न सका। वो श्यामा बिल्ली से बचने की तरकीब सोचने लगा। तभी उसे सामने वो पेड़ दिखाई दिया जिसे सिलसिल ने उसे दिखाया था और कहा था कि पेड़ जिंदा होते हैं। वो सोचने लगा कि अगर पेड़ जिंदा है तो वो इस बिल्ली को खा जाएगा। फिर वो सोचने लगा कि पेड़ तो बिल्ली को पकड़ने के लिए भाग नहीं सकता। हाँ, अगर किसी तरह बिल्ली को पेड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए तो पेड़ बिल्ली को जरूर खा जाएगा। अभी वो ये सोच ही रहा था कि तभी श्यामा बिल्ली गिलगिल चूहे पर झपटी। हाँ, खाऊंगी। ठहरो ठहरो मौसी। मौसी? नहीं, मैं तुम्हारी मौसी नहीं, मैं बिल्ली हूँ। बिल्ली? तुम बिल्ली नहीं हो। क्या, मैं बिल्ली नहीं हूँ? कौन कहता है? मैं कहता हूँ, क्योंकि अगर तुम बिल्ली होती तो तुम पेड़ पर भी चढ़ सकती, क्योंकि हर बिल्ली पेड़ पर चढ़ सकती है। हाँ हाँ, बिल्ली पेड़ पर चढ़ सकती है, मैं भी पेड़ पर चढ़ सकती हूँ। चढ़ के दिखाओ। हाँ हाँ, ये अभी लो। फिर बिल्ली जैसे ही पेड़ पर चढ़ी, गिलगिल वहां से सिर पर पैर रखकर भागा। वो बिल में पहुंचा तो उसकी माँ उसे खोज रही थी। माँ ने उसे पूछताछ की तो गिलगिल ने उसे सारा किस्सा बताकर कहा, देखा माँ, आज मैं बिल्ली से कैसा बचा। अब तक तो पेड़ उसे खा गया होगा। पेड़ बिल्ली को कैसे खा सकता है? क्यों नहीं खा सकता? सिलसिल बता रहा था कि पेड़ जिंदा होता है, वह छोटे से बड़ा हो जाता है जैसे मैं हो रहा हूँ। और अगर पेड़ जिंदा है तो उसका मुंह होगा, और अगर पेड़ का मुंह होगा तो उस मुंह से उसने बिल्ली को क्यों नहीं खाया होगा? बेटा, पेड़ का हमारे जैसा मुंह नहीं होता, वो पत्तों से उसकी सतह पर छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा सांस लेता है। ये छिद्र इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई ही नहीं देते। ये पत्तों के छोटे छोटे मुंह कहलाते हैं। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें सिलसिल के जन्मदिन पर जाना है। ठीक है माँ। निर्जीव सजीव भाग एक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कलाकार मंजू मैनी, सुनीति कोहली, आरती बख्शी और आशीष बख्शी, ध्वनिंकन दीपक पांडे, ध्वनि सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा दाऊदयाल चतुर्वेदी,
तथा आलेख निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर।